कल्याण के हिरानीपाड़ा इस बस्ती से अपने 5 गैंग के द्वारा चेन खींचकर चोरी करने वाला जाफरी 6 महीने से पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हुआ था। आखिर पुलिस को ये जाफरी तलोजा से नवी मुंबई आने की खबर मिलने पर पुलिस ने जाफरी को पकड़ लिया है। उसके और 3 साथियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है। वहीं दूसरी तरफ भिवंडी के हिरानीपाड़ा बस्ती से मोहम्मद सिकंदर इस चेन स्नेचर को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर उसके खिलाफ नवी मुंबई में 5 मामले सामने आए हैं। अब इस ईरानी गैंग पर मकोका कानून के तहत कार्रवाई के लिए अदालत में पेशी की जाने वाली है, ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े ने दी है। इस बारे में अधिक जानकारी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राइम DCP सुरेश मेंगड़े ने दी। यूनिट 1 से पुलिस निरीक्षक श्री मालोजी शिंदे यांनी सुद्धा एक आम्हाला वांटेड असलेला मोहम्मद जाफरी राहणार हिरानीपाड़ा शांतिनगर भिवंडीचा चेन स्नॅचर आहे की ज्याला अटक करून त्याच्याकडनं सुमारे 2 लाख रुपये किमतीचे 88 ग्रॅम वजनाचे दागिने हस्तगत करण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे। अशा रीतीने एकूण 22 चेन स्नॅचिंगचे गुन्हे उघडकीला आणून त्यामधील मुद्देमाल हस्तगत करण्यामध्ये नवी मुंबई पोलिसांना यश आलेलं आहे। या गुन्हेगारांनी याच्या व्यतिरिक्त अजून राज्यामध्ये वेगवेगळ्या भागामध्ये गुन्हे केलेले आहेत। वीडियो जर्नलिस्ट मूसा के साथ शेखर हम्प्रस की रिपोर्ट।